बड़ा हादसा होने से टल गया। इस हादसे में ट्रैफिक थाना प्रभारी मनीष डावर और उनका ड्राइवर को गंभीर चोटें आ सकती थीं। बताया जा रहा है कि शिवपुरी का एक ट्रक जो कि हनुमान चौराहे से नो एंट्री में शहर की तरफ आ गया, इसे रोकने का प्रयास हनुमान चौराहे पर भी किया गया था, पर वह ट्रक नहीं रुका, जिसके बाद उसे पकड़ने के लिए जस्तम चौराहे पर भी कोशिश की गई, लेकिन यहां भी ट्रक आगे निकल गया। थाना प्रभारी महेश डाबर अपनी गाड़ी में ओवरब्रिज की तरफ पहुंचे, जहां पर ओवरब्रिज पर रोकने के लिए ट्रक चालक ने शासकीय गाड़ी में ही टक्कर मार दी और भागने की कोशिश करने लगा। हालांकि ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। समस्या परे है कि इस तरह से कैसे कोई ड्राइवर तेज गति में गाड़ी चला सकता है। अगर जरा भी चूक हो जाती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। गनीमत रही कि थाना प्रभारी और उनके ड्राइवर को थोड़ी ही चोटें आईं। अरे भाई दादा हाँ ये एक ट्रक हनुमान चौराहे से नो एंट्री में आ गया था, तो हनुमान चौराहे पर भी रोकने का प्रयास किया, विसिल बजाई एक्स्ट्रा, मतलब एक्स्ट्रा की जो कर्मचारी ड्यूटी पे लगे थे उन्होंने हाथ से भी इशारा किया लेकिन नहीं रुका। उसके बाद उसने हनुमान चौराहे से पॉइंट दिया कि एक ट्रक नो एंट्री में घुसा आ रहा है। हम लोगों ने जैसे हम भी रोकने का प्रयास किया लेकिन यहाँ पर भी वो नहीं रुका। उसके बाद थाने की मोबाइल से उसका पीछा किया और जाकर के ओवरब्रिज पर उसने साइड दी हम लोगों को और गाड़ी आगे की तो उसने गाड़ी कंट्रोल न करते हुए शासकीय गाड़ी में ही टक्कर मार दी। उसके खिलाफ मुकदमा कायम कर लिया गया है थाना कोतवाली में और अभी ट्रक आरोपी चालक और ट्रक दोनों पकड़ लिए गए हैं। ये ट्रक शिवपुरी जिले का है, शिवपुरी का है। लोग किसको छोटे हल्की फुल्की चोट आई है, आरक्षक चालक जो है हमारा उसको हल्की फुल्की चोट आई है।